क्या चाल, सब ठीक ठाक। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट फिर से एक बार दूसरा सेशन है ये यूपी टेट 2023 के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक और नई टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तालाब, खेत, वन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कृत्रिम पारितंत्र, ठीक है ना, कृत्रिम पारितंत्र। तो सभी बच्चे आंसर करें फटाफट, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कृत्रिम पारितंत्र की बात कर रहा है। तो देखिए वन क्या होते हैं, वन दोस्तों प्राकृतिक होते हैं, तालाब भी प्राकृतिक होते हैं, तो कृत्रिम क्या होगा दोस्तों, खेत जो है, खेत में सामान्य भूमि होती है, उसको जुताई उताई करके, ठीक है ना, हाँ, उर्वरक जो है, उर्वरता उसमें लानी पड़ती है, यह कृत्रिम पारितंत्र होता है। जीववार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, वन, तालाब, घासी स्थल या शुष्क स्थल। उल्टा, तो जब आप किसी चीज को पानी में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, उल्टा। इस चीज से याद रखो कि किसमें उलट जाता है, तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, बी वाले सभी सही हो जाएंगे, तालाब में, ठीक है ना, बी के साथ जाएंगे तालाब में। कह रहा दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, तो इस संबंध को क्या कहते हैं, सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता या प्रासहयोग। एक जीव को लाभ होता है और हानि किसी को भी नहीं होती है। देखिए हम दो मित्र हैं, चार रोटियां हैं, तुमने अकेले खा ली तो तुम्हें तो लाभ हो गया मगर मेरी कोई हानि नहीं हुई। आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा, सहभोजिता, क्या हो जाएगा, सहभोजिता। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर चार, तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है, प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक या पर्यावरण दशक। तो दोस्तों 2011 से लेकर 2020 तक जो है जैव विविधता दशक निर्दिष्ट किया गया है, जैव विविधता दशक निर्दिष्ट किया गया है। अगला, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशगत पादप एवं जंतु। जैव विविधता का अर्थ है, बहुत ध्यान से बात को सुनना। तो देखिए एक स्थान पर या एक क्षेत्र में पादप और जंतु जो है जितने ज्यादा प्रकार के होंगे उसी को भाई जैव विविधता, विविधता सबसे क्या अर्थ है, ठीक है ना, हाँ, विविधता अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। तो क्या कह रहा है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे और जंतु, ठीक है, तो दोनों जितने विभिन्न प्रकार के होते हैं उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है क्या है, उभयचर है, बोनीफिश है, शार्क है या स्तनधारी है। सभी बच्चे आंसर करें, समुद्री जीव है डुगोंग, क्या है, याद रखना दोस्तों क्या है, यह एक स्तनधारी है, क्या है, यह
एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन, ओजोन यानी कि ओ थ्री प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ओजोन कैसा है? बिल्कुल सही है। हम लोग दोस्तों किसके साथ जाएंगे? बी पार्ट वाले सही हैं। द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन कैसा है? ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक या CO2। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण, तो मृदा प्रदूषण जो है सबसे ज्यादा दोस्तों किससे होती है? प्लास्टिक होती है। इसीलिए देखिए हिमाचल ने प्लास्टिक, हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक पे बैन लगा दिया और भी कई सारे राज्य जो है प्लास्टिक पे बैन लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, धुंध कोहरा यानी कि स्मोक की बात कर रहा है का निर्माण होता है किससे? कोहरे प्लस NO3 से, धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ से, धुएं प्लस कोहरे से, धुएं प्लस CO2 से। तो जो स्मोक होती है, जो धुंध होती है, वो दोस्तों किससे होती है? वो धुएं एवं कोहरे से होती है। स्मोक किससे होती है? धुएं एवं कोहरे से। सी पार्ट वाले सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं हरी शैवाल तथा जलीय लीवर वर्ट्स, फर्न तथा साइकस, लाइकेन तथा मॉस, नीम तथा आम। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर क्या आ जाएगा? लाइकेन और मॉस। वायु प्रदूषक जैसे ही दोस्तों, कभी भी याद रखना ये बात, मैंने आपको कई बार इंडिकेट की, जैसे ही वायु प्रदूषक की बात आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आना चाहिए? लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है? लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक का इंडिकेटर है, ठीक है ना, इंडिकेटर है। चलिए, धुएं में, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। धुएं में क्या ऐसा होता है जिससे आंखों में जलन पैदा होने लगती है? सल्फर डाइऑक्साइड या परॉक्सी से परॉक्सी एसेसिटिल नाइट्रेट या ओजोन या नाइट्रिस नाइट्रिक ऑक्साइड। धुएं में क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, धुएं में क्या होता है? डी पार्ट के साथ जाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। धुएं में क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है केंद्रक, कोसा का झिल्ली तंत्र, कोसा भित्ति या प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? कोशिका का झिल्ली तंत्र। क्या हो जाएगा? कोशिका का झिल्ली तंत्र यानी कि मेम्ब्रेन सिस्टम। अगला, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। हरित गृह गैस नहीं है। तो याद रखना, कौन सी नहीं है दोस्तों? कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। सभी बच्चे आंसर करें। तो जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है या सिगरेट का जो धुआं होता है, वह दोस्तों क्या होता है? वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। जल्दी जल्दी आंसर करें। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो दोस्तों भूमिगत जल को कौन दूषित करता है?
आर्सैनिक, कौन आर्सैनिक, यूपी में उन्नाव में जो गंगा का जो जल है ठीक है ना, उसमें सबसे ज्यादा आर्सैनिक पाया जाता। और अगर भारत की बात की जाए तो दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल में, याद रखना तो याद ही हो गई होगी ये बात। अगला, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, एस्बेस्टॉस धूल, कैडियम, लेड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना क्या होगा दोस्तों आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, कौन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, सूचक मतलब दोस्तों क्या वर्ड होगा इंडिकेटर, और किसका किसका इंडिकेटर, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर। अभी क्वेश्चन आया था अकेले उसने बात को घुमा दिया। तो दोस्तों कौन होगा लाइकेन, कौन वायु प्रदूषण का इंडिकेटर कौन है, लाइकेन है, लाइकेन है ठीक है ना। चलिए, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का त्वरण प्रदूषण या उपर्युक्त सभी। जलवायु परिवर्तन, देखिए ग्रीन हाउस गैसों के कारण तो जलवायु परिवर्तन होता ही है, ओजोन परत का त्वरण हो रहा है उसकी वजह से भी होता है, प्रदूषण की वजह से है। तो आंसर क्या आ जाएगा डी पार्ट उपर्युक्त सभी, आंसर बच्चे क्या आ जाएगा डी पार्ट उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से आंसर करें। तो याद रखना दोस्तों कौन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती हैं। अगला कह रहा है पार्जोलीकरण प्रक्रम किस प्रकार की जलवायु से संबद्ध है, पार्जोलीकरण प्रक्रम किस प्रकार की जलवायु से संबद्ध है, गर्म शुष्क, नम शीतोष्ण, भूमध्य रेखीय, शीत शुष्क। सभी बच्चे भाई फटाफट आंसर कर दो, पार्जोलीकरण प्रक्रम 21 नंबर, आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट नम शीतोष्ण, किस प्रकार की जलवायु से संबद्ध है, नम शीतोष्ण जलवायु से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 70%, 61%, 75% या 54%। फटाफट सभी बच्चे आंसर करें, रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा सी पार्ट सही होगा 75%, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है 75%। अगला क्वेश्चन, वातावरण में कौन सी गैस परावैगनी किरणों का अवशोषण करती है, मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। वातावरण में कौन सी गैस परावैगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो दोस्तों याद रखना कौन करती है, ओजोन गैस। अगर ओजोन ना हो तो ये सब जलकर राख हो जाएगा, क्यों, परावैगनी किरणें सीधे जो है उनको लेजर मान लो, उनको लेजर मान लो, सीधे आएंगे और सब जहां पे परावैगनी किरणें सब पूरा छिद्रित करते चली जाएंगी। बहुत कह रहा है अल्बाट्रॉस क्या है, प्रशांत महासागर में एक द्वीप,
उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, अल्बाट्रॉस दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर का एक समुद्री पक्षी है। अल्बाट्रॉस क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर का एक समुद्री पक्षी है। बी पार्ट सही होगा। अगला, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमोलिन ह्यूमेलिन या एलजेसिक एनजेसिक मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? परजैविक कहलाते हैं। ए पार्ट वाले सही हो गए, परजैविक। भैया क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अगला, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। 1% अधिभाग मतलब हिस्सा है, 1%, 2%, 3% या 5%। फटाफट आंसर करें भाई। हरित गृह गैसों में भारत का जो अधिभाग है वह दोस्तों कितना है? वह 3% है। कितना है? 3% है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट, तो ऐसा वृक्ष पर्यावरणीय संकट जो जल का दोहन बहुत करता हो। मैंने हिंट दे दिया, अब आंसर कर लो। बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टस। सबसे ज्यादा तो दोस्तों पर्यावरणीय संकट कौन माना जाता है? यूकेलिप्टस, बहुत जल का दोहन करता है, ठीक है, यह पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? 15 वर्षों से, 25 वर्षों से, 40 वर्षों से या 50 वर्षों से? कब उसको हम विलुप्त मानेंगे? तो दोस्तों याद रखना, अगर वह 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको विलुप्त मानेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। 5%, 2%, 6% या 4%? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। तो याद रखना मेरे मित्रों, कितने प्रतिशत विश्व के वन्य जीव भारत में कितने प्रतिशत है, भारत का हिस्सा कितने परसेंट है? तो 5%। ए वाले सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्या सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में या फ्रांस में? अगर आपको यूपी के देना है, और मुझे तो यह लगता है कि आपको हर हाल में देना चाहिए, ठीक है, अगर आपको मित्रों यूपी के देना है तो आप लगातार इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। सदाबहार वर्षा वन ब्राजील में पाए जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना कीमती समय में से पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको 15 मिनट देने हैं। आप मुझे 15 मिनट दो, हम आपको ईवीएस जो भी आपका पर्यावरण है, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडी है, हम उसकी बेहतरीन 30 प्रश्नों की प्रतिदिन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपके लिए, कोई ऐसा नहीं कि आपने सर्टन रख लिया, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, इनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे नहीं है। तो जो है इन पे आपको रिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए होगा। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।